आग का गोला आपे से बाहर, आसमान से अंगारे बरसने का गुमान, जमीन पर पड़ने वाली किरणों से आग की बारिश का एहसास, झुलसा देने वाली गर्मी के साथ लू के थपेड़े, रही सही कसर लोड शेडिंग ने पूरी कर दी, शहरियों की दुहाई। गर्मी की शदीद लहर, लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, लेस्को के खराबियों की भरमार, शहर में ऐलानिया और गैर ऐलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे से तजावज कर गया, लाइन लॉसेस वाले फीडर्स पर 8 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी। लाहौर समेत पंजाब भर में हीट वेव, अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और गैस्ट्रो के सैकड़ों मरीज रिपोर्ट, 24 घंटे के दौरान शहर के बड़े सरकारी अस्पतालों में 150 से ज्यादा मरीज दाखिल हुए, शदीद गर्मी से चक्कर आना, नज़ला जुकाम और बुखार मरीज भी सामने आ गए। जायका वफ्द का पीडीएम में पंजाब ऑफिस का दौरा किया गया, इरफान अली काठिया ने वफ्द को पीडीएम की वर्किंग के बारे में ब्रीफिंग दी, कहा हीट वेव की सूरतेहाल से निमटने के लिए तमाम तर वसाइल बुरे का लाए जा रहे हैं। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ की जेरे क़यादत जाती उमना में बड़ी बैठक, वजीर आजम शहबाज शरीफ भी शरीक हुए, आइंदा माली साल के बजट के हवाले से मुशावरत, विफाकी और सूबाई सतह पर आवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने के हवाले से इकदाम के बारे में तजावीज ली गई। वजीर आला मरियम नवाज, विफाकी वजीर राना तनवीर, मुसद्दिक मलिक, सैनेटर परवेज रशीद की भी इजलास में शिरकत। आइंदा माली साल के बजट में आवाम को रिलीफ देने का फैसला, वजीर आजम शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ की जरे सदारत होने वाले इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। लीग रहनुमाओं का मुशावरती इजलास में सरकारी अखराजात कम करने पर इत्तेफाक, 200 से यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को रिलीफ दिया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां, तजावीज में अयाज सादिक बाजी ले गए, हल्का एन ए 120 के लिए रिकॉर्ड 119 तरक्याती स्कीमों की तजावीज पेश कर दी। राना तनवीर हुसैन की स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की 36, तलाल चौधरी की 12 तरक्याती स्कीमों की तजावीज पेश। स्पीकर पंजाब असेंबली मोहम्मद अहमद खान ने पीपी 179 की 2 तरक्याती स्कीमों को मंजूर करने की दरख्वास्त की। पंजाब हुकूमत की गारमेंट सिटी के कयाम के लिए तैयारियां तेज, वजीर सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की जरे सदारत सिफारिशात कमेटी का इजलास हुआ। गारमेंट सिटी के कयाम के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज पर गौर किया गया। सूबाई वजीर सनत और तिजारत का एप्टिमा हाउस का दौरा भी किया गया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल पर बातचीत की गई। ऑपोजिशन की रिक्वेजिशन पर पंजाब असेंबली का इजलास तलब, स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इजलास 3 जून को दोपहर 2 बजे बुला लिया, असेंबली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए नहीं होंगे, पंजाब हुकूमत का ई वोटिंग ना कराने का असूली फैसला, नए लोकल गवर्नमेंट एक्ट का मसौदा तैयार, इलेक्शन कमीशन को भी भिजवा दिया गया, नए बलदियाती एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ना कराने की मंजूरी ली जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल के जजेस तैनात करने का हुक्म, समाअत के लिए ट्रिब्यूनल्स को इंतखाबी हलके देना चीफ जस्टिस का इख्तियार है, अदालत का हुक्म, सलमान अकरम राजा और राव उमर हाशिम की दरख्वास्तें मंजूर, जस्टिस शाहिद करीम ने दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुनाया। लाहौर हाईकोर्ट ने NA 97 से वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म कालेदम करार दे दिया। जस्टिस शम्स मिर्जा महमूद ने रुकने असम्बली सादुल्ला की दरख्वास्त पर 7 सिफात पर मुश्तमिल फैसला सुनाया। सादुल्ला ने वोटों की दोबारा गिनती के फैसले को चैलेंज किया था। नाकर्दा जुर्म की सजा काट रहे हैं सेनेटर एजाज अहमद चौधरी और साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा की अदालत पेशी के मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगु, कहा कि नवाज शरीफ एक पॉलिटिकल स्टंटमैन हैं, इनको मुल्क की लूटी हुई एक एक पाई का हिसाब देना होगा।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर की रुकनियत साजी मुहिम तहरीक इंसाफ ने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी तश्कील दे दी। मियां मुस्तफ़ा रशीद मुहिम के इंचार्ज मुकर्रर कर दिए गए। शबीर गुजर, मलिक नवाज, ऐवान अब्दुल करीम खान कमेटी में शामिल। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल की मुलाकात। जनूबी पंजाब में सैलाब जदगान की मदद, एकेडमिक्स के मयार को बेहतर बनाने के हवाले से ब्रीफिंग दी। गवर्नर पंजाब से पीपल्स पार्टी के वफूद की भी मुलाकात। गवर्नर ने कहा कि पंजाब की बेहतरी के लिए आईनी किरदार अदा करूंगा। महंगाई से सताए आवाम के लिए अच्छी खबर, LPG 1-2 नहीं पूरे 70 रुपए फी किलो सस्ती कर दी गई। LPG की नई कीमत 180 रुपए फी किलो हो गई। आइंदा हफ्ते LPG की कीमत में मजीद कमी मतवक्के। महंगाई के मारे आवाम के लिए सस्ती अशिया का हुसूल ख्वाब बन गया। चिकन, सब्जी, दालें, फल सब कुछ महंगा हो गया। LPG की नई कीमत 180 रुपए मुकर्रर, पेट्रोल की कीमत में 6.50 रुपए फी लीटर कमी मतवक्के। महंगाई के मारे अवाम के लिए सस्ती अशिया का हसूल ख्वाब बन गया। चिकन, सब्जी, दालें, फल सब कुछ ही महंगा। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से सिर्फ कमरों तक महदूद। कुछ साख्ता महंगाई ने गरीब अवाम का जीना मुश्किल बना दिया। आवाम को मियारी खुराक की फराहमी का मिशन, फूड सेफ्टी टीमों की मोटरवे सर्विस एरियाज पर 807 फूड पॉइंट्स की चेकिंग। एक मारूफ रेस्टोरेंट बंद, 93 को 14,86,000 के जुर्माने। 80 लीटर नाकिस ऑयल और 3 मंथ से जायद एक्सपायर स्नैक्स और बेवरेजेस तल्ब। PR के करप्ट ऑफिसर ताजरों के रिफंड पर सांप बनकर बैठ गए। 4 साल गुजरने के बावजूद हजारों केस इल्तवा का शिकार। रिफंड की 93,874 दरखास्तों में निस्प भी ना निपटा सके। FPR सिर्फ 73 अरब 33 करोड़ रुपए रिफंड दे सका। 5 माह गुजर गए, नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों की निशानदेही के लिए MOU साइन ना हो सका। साबिक निगरान पंजाब हुकूमत ने 4 दिसंबर 2023 को MOU साइन करने की मंजूरी दी थी। DC लाहौर राफे हैदर का गवर्नमेंट अब्दुल रहीम हस्पताल सोडीवाल का दौरा किया गया। हस्पताल में स्टाफ और डॉक्टर्स की हाजिरी को चेक किया। इंतजामिया को सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात करने की हिदायत कर दी। कहा, हस्पताल में सहूलियात की बेहतरीन फराहमी के लिए कोशा हैं। पत्तों की में खसरे के बाइस से 6 बच्चों की मौत। महकमे सेहत ने 3 रुकनी तहकीकती कमेटी कायम कर दी। कमेटी 24 घंटे में अमवात की तहकीकात करेगी। डॉक्टर उमर अमीन, डॉक्टर आसिफ जावेद और डॉक्टर मोहसिन वट्टू कमेटी में शामिल, नोटिफिकेशन जारी। YDA की हुकूमत को वार्निंग, पंजाब भर में एहतजाज का इंदिया दे दिया। YDA के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, साबिक वज़ीरे सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने खुद तस्लीम किया कि रिवैम्पिंग के नाम पर लूटमार हो रही है। हेल्थ कार्ड बंद कर दिया गया, हस्पताल में अद्वियात मुयसर नहीं। वजीर आला को सब अच्छे की रिपोर्ट दी जा रही है। पंजाब हुकूमत का 13,000 सरकारी स्कूल्स को आउटसोर्स करने का फैसला। पंजाब भर के असातिज़ा अपने मुतालबात के हक में सड़कों पर निकल आए। टीचर्स यूनियन के सदूर ने कहा कि हुकूमत सरकारी स्कूल्स को प्राइवेट करने का फैसला वापस ले, असातिज़ा का मुआशी कत्ल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाब की जामियात में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तैनातियों का मामला। 29 सरकारी जामियात के लिए सर्च कमेटियां कायम कर दी गईं। महकमा हायर एजुकेशन ने कमेटियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी, UET, GC यूनिवर्सिटी, होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी, लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी की VC सर्च कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी IE डिपार्टमेंट में 15वें पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन PHEC डॉक्टर शाहिद मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहा कि यूनिवर्सिटीज़ में एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर पैदा करना होगा। हमें नौकरियों के पीछे भागने के बजाय अपनी कंपनीज बनाना होंगी।
लाहौर में मवेशी मंडियां कौन लगाएगा? स्टेक होल्डर्स का मंडियों पर अखराजात करने से इनकार। कॉन्ट्रैक्टर्स ने अखराजात करने के लिए इंतजामिया से गारंटी मांग ली। इंतजामिया ने मंडियों के अखराजात के लिए 30 करोड़ रुपए मंजूर करवाने की समरी तैयार कर ली। मंडियां लगाने की जगह का तायन हो गया। इंतजाम पर अखराजात करने से ठेकेदारों ने हाथ खड़े कर दिए। ईद उल अजहा के लिए कल से मवेशी मंडी 24 घंटे के लिए ऑपरेशनल होगी। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद की जेर सदारत इजलास ईद उल अजहा पर शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में इंतजाम का जायजा लिया। कमिश्नर की कुर्बानी के जानवरों के लिए लाइव स्टॉक कैंप लगाने की हिदायत। एलडीए का जोहर टाउन में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। एक केनाल 12 मरला और 5 मरला के 36 करोड़ रुपए मालियत के 16 प्लॉट वागुजार करा लिए। ऑपरेशन की निगरानी डायरेक्टर हाउसिंग 7 मौजम रशीद ने की। एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियां और धरने, सड़कें ब्लॉक होने की बड़ी वजह। लाहौर में ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। सीटीओ अमर आथर ने कहा कि 3 माह में 318 मरतबा एहतजाज, जलसे, जुलूसों के बायस सड़कें ब्लॉक रहीं। ट्रैफिक पुलिस तमाम तर हालात में शहरियों के लिए आसानियां पैदा करती रही। पुलिस मुलाजमीन और उनके अहले खाना की हेल्थ वेलफेयर मिशन आईजी पंजाब ने मजीद 11,50,000 रुपये जारी कर दिए। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि पंजाब पुलिस एक फैमिली है, मुश्किल वक्त में किसी को तनहा नहीं छोड़ा जा सकता।